सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फाइव सीक्रेट्स की कि कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो। मेरा नाम विवेक राठौर है, मैं ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो सीक्रेट नंबर वन, हमें हर एक सिचुएशन में हमें कोशिश करना है कि हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करें और पॉजिटिव माइंडसेट को प्रैक्टिस करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशन होती हैं, कई बार कुछ अनफेवरेबल होता है और जो हमारे थॉट को इम्पैक्ट करता है, जो हमारे मूड को इम्पैक्ट करता है। तो उस टाइम लोग करना क्या है, उसको मैं बोलता हूँ थॉट अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना। अपने थॉट को और अपने मूड को हमेशा ऑब्जर्व कीजिए और एक बात समझिए कि अगर आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, अगर आप नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव मूड को रिटेन कर रहे हैं, तो वो आपके उस मोमेंट को भी ख़राब करता है और आपको और वैसी सिचुएशन को और भी अट्रैक्ट करता है। तो हमें हमेशा कोशिश करना है कि हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना है और पॉजिटिव माइंडसेट को प्रैक्टिस करना है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को हम लोग किस एंगल से देख रहे हैं। एक ही इंसिडेंट में कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, उसी इंसिडेंट को एक दूसरा पर्सन उससे एम्पावरमेंट लेता है, उसको उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, एक पॉजिटिव साइड से देखता है। तो हमें इन दो चीज़ों का प्रैक्टिस करना है किसी भी सिचुएशन में, पॉजिटिव थिंकिंग का और पॉजिटिव माइंडसेट का। सीक्रेट नंबर दो, हैव फेथ इन लाइफ एंड गॉड। एक बात समझिए, हम लोग की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, वो नेचुरल है। हर एक सर्टेन इंटरवल पे किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम लाइफ में आती रहती है, लेकिन हमें ये समझना है कि जो लाइफ का जो नेचर है वो चीज़ों को ठीक कर देती है। हम लोग की लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक रहना है। सो हम लोग को हमेशा फेथ रखना है लाइफ के ऊपर और हमें समझना है कि एक हायर पावर है जिसको गॉड भी बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोग की विजिबल सोर्स से, इनविजिबल सोर्स से हमारी हमेशा हेल्प करती है। तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, हमें अपना फेथ लूज नहीं करना है। नाउ द सीक्रेट नंबर थ्री, हैव पेशेंस इन द एडवर्स टाइम। देखिए, हम लोग की लाइफ में अलग अलग तरह के फेज आएंगे, कुछ अच्छे फेज होंगे, कुछ उतने अच्छे फेज नहीं होंगे। तो जो भी हम लोग की लाइफ का टफ फेज होता है, उसी समय हम लोग अपनी पर्सनैलिटी का रियल फेज देखते हैं। किसी कोई भी पर्सन टफ टाइम में जैसे बिहेव करता है, वो उसकी रियल पर्सनालिटी होती है। तो टफ टाइम में हमें पेशेंस शो करना है, हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हमें फेथ रखना है और हमें पेशेंस शो करना है कि ठीक है, लाइफ में कई बार हर तरह की सिचुएशन आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमें उसका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने देना है। तो हमें पेशेंस की प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग बात करेंगे सीक्रेट नंबर फोर की, उसको बोलते हैं कि आप हैबिट डालिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहने की। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग लाइफ में कुछ नया सीखते हैं, हम लोग की लाइफ में नई थॉट्स आती है, वो अपने साथ पॉजिटिविटी को लाती है और हम लोग की जो भी लर्निंग होती है, हम लोग की लाइफ में वो किसी न किसी तरह की ग्रोथ को अट्रैक्ट करती है। और जितना हम लोग ग्रो करते हैं, उतना हम लोग की लाइफ में हैप्पीनेस का वो वर्क करता है। फाइन, तो हमें इस बात को समझना है। सो हमें एविड लर्नर बनना है, क्योंकि हम लोग के माइंड को हमेशा नई थॉट्स चाहिए होती हैं। तो कई लोग नई थॉट्स के लिए सोशल मीडिया, न्यूज़ हुआ, सीरियल हुआ, मूवी हुआ, ये देखते हैं। वो चीज़ें केवल हमारे टाइम को पास करती हैं, लेकिन अगर उसकी बजाय अगर हम लोग बुक्स पढ़ें, हम लोग ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ देखें जो लर्निंग बेस्ड हैं, तो वो हम लोग को एंटरटेन भी करती है, हम लोग की नॉलेज भी बढ़ती है और हम लोग की पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है और हम लोग की कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम लोग सीखते जाते हैं। सो दिस इज़ द सीक्रेट नंबर फोर। अब हम बात करेंगे सीक्रेट नंबर फाइव की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है, हमें थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं किसी भी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी के लिए, किसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ब्लेम करना सबसे, अगर कोई वर्स्ट काम है, अगर हम कोई जो कर सकते हैं, तो वो है ब्लेम करना। क्योंकि हम लोग जब ब्लेम करते हैं, तो हम लोग नेगेटिव इमोशन में जाते हैं और वहाँ पे सिचुएशन का जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में जाता है। तो अगर सिचुएशन का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो आपकी जो हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी है, उसका कंट्रोल भी किसी और के हाथ में जाता है। तो सोल्यूशन क्या है, हम लोग को थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। जितना हम लोग थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी पावर ऑफ वर्ड्स है वो वर्क करता है, यूनिवर्स हमें और अपॉर्चुनिटी देता है थैंकफुलनेस का, जो कि हम लोग अल्टीमेटली चाहते हैं। तो ये फाइव सीक्रेट्स हैं जो आपको फॉलो करना है। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट में शेयर कीजिए, मैं आपके लिए डेडिकेटली वो बना के मैं आपको शेयर करूँगा। बहुत बहुत थैंक यू।